हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल टेक्निकलर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा परिवार पहचान पत्र में जो नया अपडेट आया है उसके बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तो फ्रेंड्स, जब आप परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट ओपन करते हो तो जो उसका फर्स्ट पेज है वो आप इस तरीके से देख पाओगे जो कि स्क्रीन पर खुला हुआ है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने कोई लॉगिन नहीं किया है, मैं अभी इसके जो फर्स्ट इंटरफेस होता है पेज का वहीं पे हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे टैब यहाँ पे आ गए हैं। तो ये जो टैब है अपडेट फैमिली डिटेल्स, ये अपडेट फैमिली डिटेल्स पहले अंदर भी जब हम वेबसाइट में लॉगिन हो जाते हैं वहाँ पर भी मिलता था, लेकिन अब ये टैब सिर्फ आपको बाहर देखने को मिलेगा जब आप लॉगिन नहीं होते हैं, तो उससे पहले ही, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद में आप देखेंगे रिपोर्ट ग्रेवियंस टैब यहाँ पर आ गया है। रिपोर्ट ग्रेवियंस टैब, ये जो टैब है ये पहले जब हम इसमें लॉगिन हो जाते थे वेबसाइट में तब वहाँ पे आता था, लेकिन अब ये वहाँ पे नहीं है, वहाँ से ये बहुत पहले हटा दिया गया था, लेकिन अब ये आप यहाँ फर्स्ट पेज पर ही इसे देख सकते हैं। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि रिपोर्ट ग्रेवियंस का क्या यूज़ है तो मैं जो आई बटन है वहाँ पर इसका लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ कॉर्नर पे जाके उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि रिपोर्ट ग्रेवियंस का क्या काम है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी फर्स्ट जो पेज है वहाँ पे जो जो अपडेट आया है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ कि जब आप लॉगिन हो जाओगे तो वहाँ पे क्या अपडेट आया है। तो देखिए, यहाँ पे मैं वेबसाइट में लॉगिन हो गया हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक नया टैब है डाउनलोड डाटा। ये आप जो देख रहे हैं, मैं माउस ओवर यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये वाला आप टैब नया देख रहे होंगे। अब जब आप इस पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे डाउनलोड डाटा पे, तो एक नया और ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा, अपडेट फैमिलीज डाटा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक डाटा भी लिखा हुआ है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर में लिखा हुआ, इस मॉड्यूल के माध्यम से पहले ना भरी हुई फील्ड भर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो फील्ड आपने परिवार पहचान पत्र बनवाते टाइम नहीं भरी है, वो खाली पड़ी हुई है, तो वो फील्ड सिर्फ आप यहाँ पर भर सकते हो और कोई भी चेंजेस आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। सिर्फ जो खाली जो जगह छोड़ दी थी, खाली फील्ड जो छोड़ दिए थे, जो इन्फॉर्मेशन आपने नहीं भरी थी, वही आप जो इस ऑप्शन के द्वारा यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर फैमिली आईडी, तो आपको यहाँ पे फैमिली आईडी देनी है और फिर सर्च पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप फैमिली आईडी दे दोगे और सर्च पे क्लिक करोगे तो जो पेगा वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे जो फैमिली डिटेल है वो पूरी आपको दिख जाएगी, सभी के नेम दिख जाएंगे और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और मदर्स नेम, जो भी डाटा है वो पूरा आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस लिस्ट की तरह से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप जिस भी बंदे के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उस बंदे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इनमें से जैसे आप जिस भी बंदे को एडिट करना चाहते हैं या फिर वहाँ पे जो खाली फील्ड है वो वहाँ पे भरना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, तो उसी बंदे को आप सेलेक्ट करेंगे। जब आप उस बंदे को सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उस बंदे का जो डाटा है वो खुल के आ जाएगा और जो खाली फील्ड हैं जो आप फिल करना चाहते हो वो आसानी से आप फिल कर सकते हो। फिल करने के बाद उसे आप सबमिट कर सकते हो आसानी से। तो फ्रेंड्स, यही थी अपडेट जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई है। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप दूसरों तक ज़रूर ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें पता चल जाए कि नया जो अपडेट आया है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। बाय बाय।